एक लोगों से फेक गिफ्ट मिलता है। ये नया ब्रिज बना है ओ भाई, ये सीन आप लोग चेक करो, मुझे सो रही है, मैं देख पा रहा हूँ, ये देखो अभी भी सो रही है। कुछ इस टाइप की लोकेशन पे आके रुके है। ये ओपी लग रहा है, देखो एक बार पूरा जो पानी आ रहा है ना यहाँ से गिर रहा है और नीचे जो पत्थर वत्थर है निकाल के दू। ये देखो नहीं देखो, पकड़ी गई ना, नहीं करो और करो भाई। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, और आज का व्लॉग हम मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 6:16 हो रहा है अभी। आज का जो व्लॉग है ना प्रो को गिफ्ट देने के साथ स्टार्ट करेंगे। लोगों ने भी बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि प्रो को एक नया हेलमेट दिलाओ, तो ये रहा नया हेलमेट। मैंने 2-3 बार इसको पहना है, ऐसे टेस्ट लिया है कैसा लगता है, क्योंकि लेडीज़ हेलमेट मैंने कभी नहीं पहना। नहीं शौक नहीं है, तो ये लो इसको पहन के आपको अभी कंफर्टेबल लगेगा। वो वाला जो हेलमेट है वो तो जेंट्स वाला हेलमेट है ना। हेलमेट वैसे लेडीज़ जेंट्स वाला कुछ नहीं होता, लेकिन ये वाला पहनो। ये देखो इतना दिनों तक हेलमेट पहनी लड़की हमारी, लेकिन लगाना कुछ भी नहीं आता। तो कैसी लग रही है बताओ, इसको ऐसे कर दो। ये देखो अभी अभी अच्छी लग रही है ना, उस वाले हेलमेट से अभी ज़्यादा अच्छी लग रही है। थैंक यू भी नहीं बोला, मैंने नहीं सुना, जोर से बोलो। गिफ्ट जेन्युइन, गिफ्ट जेन्युइन लोगों से मिलता है, फेक लोगों से फेक गिफ्ट मिलता है। तो भाई हमको जाना है इस रूट पे, लेकिन हम जा रहे हैं इस रूट पे, क्यों जा रहे हैं वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। भाई इन्होंने मुझे कहा था एक छोटू सा राइड के लिए निकलना है, इनको मैंने टाइम दिया 5 बजे का, इन्होंने मुझे कॉल किया 5:30 और ये घर से निकली 6:00। समझ सकते हो कितना लेट निकलती है भाई और कितना लेजी है। पहले राइड के बारे में खुद ही बोलती है, उसके बाद खुद ही लेट निकलती है। और अभी मैं बताता हूँ इस रास्ते से हम लोग क्यों आए। जो सामने आप फ्लाईओवर देख पा रहे हो ना, मतलब ये वाला नहीं, ये वाला जो फ्लाईओवर देख पा रहे हो ना, इस रास्ते पे मतलब मुझे प्रो को लाना था। रात को लाते ना और भी अच्छा लगता, क्योंकि इस दोनों साइड पे ना लाइट जलता है भाई, ब्लू कलर का बहुत ही कमाल का व्यू आता है। इनको अब कभी हम रात को लाएंगे भाई, लेकिन अभी देखो मतलब यहाँ से कमाल का व्यू आता है। ये नया ब्रिज बना है, मतलब बहुत दिन पहले बना है, लेकिन हमारे ब्लॉग में ये पहली दफ़ा आ रहा है। तो अभी हम राइट साइड मुड़ जाएंगे, क्योंकि हमें उस तरफ जाना है ना भाई, तो राइट साइड मुड़ना ज़रूरी है। अगर हम सीधा चले जाते तो 6 माइल मिल जाता हमको, लेकिन हम जाएंगे बेलतोला के साइड से। और पेट्रोल आप लोग देख सकते हो नहीं है, मतलब नहीं है, भरवाना पड़ेगा। हड्डू बे और बाय द वे क्यूएनए आपको कैसा लगा, मतलब इस व्लॉग मतलब अरे 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 रुक जाओ, यो आगे ना चले जाना। तो क्यूएनए अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया, ये व्लॉग ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं जाऊंगा घर पे अपने, उसके बाद मैं अपलोड करूंगा। तो आप लोगों का क्या रिएक्शन निकलता है मुझे अभी तक नहीं पता। आई होप सो आपको अच्छा लगे, हमें बना के बहुत अच्छा लगा भाई। और इन सारे रास्तों पे ना भाई, जब आप 10-11 बजे उसके बाद आना, इतना ट्रैफिक मिलता है ना, अभी देखो कितना सुकून मिलता है, एक फ्रेश एयर है, ट्रैफिक भी नहीं है, चला के भी मज़ा आता है भाई। आगे अगर पेट्रोल पंप ना मिले ना, देखो भाई बंद है, 6:30 अभी तक पेट्रोल पंप नहीं खोला, गर्मी के सीज़न में, ठंडी का भी सीज़न नहीं है बॉस, गर्मी का सीज़न है, अभी क्या करे। आगे पेट्रोल पंप देखना पड़ेगा। फाइनली हमको एक पेट्रोल पंप मिला, 70 का डालिए भैया। अभी लीटर कितना का हो गया, 102, अच्छा 96। शुक्र है भाई पेट्रोल पंप मिल गया, मतलब एकदम ही नहीं था। और गरीबी देख पा रहे हो भाई की, गरीबी देख पा रहे हो, मतलब समझ ही सकते हो, 70 का पेट्रोल डाला, वो भी राइड जाने के लिए इनके साथ। तो वही बात है, अभी जितना YouTube से आ रहा है उतना ही डाल रहे हैं भैया। चलो बात करते करते हाईवे पे आ गए, मतलब अभी हाईवे हाईवे जैसा नहीं दिखता, देख रहे हो ना कितना काम चल रहा है। मतलब ये सब जब काम ख़त्म हो जाएगा ना,
और वो बोलते हैं ना, जब आपको जब आपका प्यास मिट जाता है तब पानी की कमी नहीं रहती है। वही बात है, देखो पेट्रोल हमने डाल लिया है, यहाँ पर भी पेट्रोल पंप हमें मिल जाता, खामखा हम टेंशन कर रहे थे। तो अभी प्रॉपर आप बोल सकते हो हाईवे पे हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इस साइड पे और देख ही सकते हो काम साम चल रहा है। तो काम जब ख़त्म हो जाएगा तो हाईवे थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा, मतलब दो तीन लेन बन जाएंगे एक्स्ट्रा, तभी चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा लगेगा। अभी फ़िलहाल तो निकलते हैं आगे की तरफ, और हाईवे मतलब तो हाईवे है बॉस। अगर Q&A नहीं देखा है ना तो Q&A जाके एक बार देखना, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ये आपके भाई की गारंटी। ओ भाई ये सीन आप लोग चेक करो, मुझे तो नहीं लगता ये धुआं है इस गर्मी के टाइम पे भी। इस साइड पे आप देखो, ये शायद फॉगी है, पूरा वाइट होके रखा है। सामने कैमरे में कितना आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आँखों के ज़रिए मैं देख रहा हूँ भाई, पूरा वाइट होके रखा है भाई। इसी के साथ ही मैं आपको और एक सीन दिखाता हूँ, शायद आप लोग देख पा रहे हो, पीछे बैठ के सो रही है ये। मतलब एक तो लेट आई है, यहाँ से कितना देख पा रहे हो नहीं पता, लेकिन सो रही है। मैं देख पा रहा हूँ, ये देखो अभी भी सो रही है, अभी उठी है, अभी उठी है, गुड मॉर्निंग। पीछे बैठ के कैसे सो लेती है ऐसे नहीं पता भाई, हेलमेट शेलमेट पहन के। आप लोग जानते हो कहाँ दर्द होता है, जब कोई राइडर राइड करता है और उसके पिलेन में जो बैठा हुआ है ना, उसका जो वेट है वो भी आपको लेना पड़ता है। मतलब मेरा हाथ भाई दर्द कर रहा है, इनका सारा जो वेट है ना मैं ले रहा हूँ, और आप बोल भी नहीं सकते हो कि आप उठ जाओ। समझो आप, मतलब देखो यहाँ से नहीं पता कितना दिखाई दे रहा है। मैं क्लियर करता हूँ ये ग्लास, और देखो देखो भाई, शायद आ रहा होगा कैमरे में, लड़की पूरा नींद में। A few moments later. अभी अपन लोग कुछ इस टाइप की लोकेशन पे आके रुके हैं, यहाँ से भाई काफी अच्छा लग रहा है व्यू, और नीचे आप देख सकते हो, ओ भाई ओपी लग रहा है। देखो एक बार, पूरा जो पानी आ रहा है ना यहाँ से गिर रहा है, और नीचे जो पत्थर वत्थर है, काफ़ी सही सीन है भाई। इस टाइम पे फॉग दिखना मतलब अलग ही सीन रहता है, पूरा फॉग अभी भी है, कैमरे में शायद आप लोग देख भी पा रहे होंगे भाई। इस साइड पे आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा सीन है, और यहाँ पे ओए इसका नींद ही नहीं खुला अभी तक, क्या बोलेगी ये, क्या बोलोगे आप। हेलमेट भी अभी तक नहीं खोला, मैं तो नहीं खोल सकता, लेकिन आप तो खोल सकते हो, खोलो ये। बहुत अच्छा लगा इसमें, मोमेंट है भाई मोमेंट है। और मुझे सोने में भी हेल्प किया इसने, उस हेलमेट में मैं सो ही नहीं पाती थी, इस हेलमेट में सो पाती। आपको वही हेलमेट मैं लाके दूंगा, ये मुझे दे देना। और ये क्या है, क्या दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे रुक जाओ प्रो, बुढ़ी होगी ये देखो भाई, प्रो बुढ़ी होगी ये, मैं निकाल के दू, मैं दिखाऊँ आपको, रुको निकाल के देता हूँ। क्या हो गया, क्या भाई क्या मैं बोलूं, इनको इनको राइड करना है, ये दिखाओ इनको राइड करना है, लेकिन इनको मेरे पीछे बैठ के सोना भी है। अरे क्या तो घर पे रह के सो जाते। हाँ ये देखो अभी इनको बैठना भी है, पूरा जो रास्ता था ना भाई गाड़ी के पीछे सो के आई है, अभी यहाँ पे इनको बैठना भी है। एक काम करो आप, चलो घर पे चलो, मैं बोलता हूँ, ख़त्म हो गया, राइट साइड कंप्लीट हो चुका है, घर पे चलो, अब यहाँ चलो हो गया, चलो उठो। रुको थोड़ी देर में, देखो आलसियत की मतलब क्या बोलूँ भाई, एक नंबर की आलसी है, एक नंबर की आलसी है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी वीडियो में दिखाने के लिए तुरंत उठ गई, अगर वीडियो कैमरा ऑन नहीं रहता ना तो उठती नहीं। By the way, कैमरा ऑफ है, ये चलता है। पता चल गया लड़की को। हम आज ही कहीं पर जाने वाले हैं, तो आई होप वहाँ पे इनको नींद ना आए, चैन ना आए, ना आए गाना क्या था मैं भूल गया हूँ, जो भी हो मुझे नींद ना आए। लेकिन इस लड़की को नींद ही आए, नींद ही आए, और चैन तो बहुत सारा आए। तो होप सो वो उस ब्लॉग में
हमारी ये इधर देख रहे, अभी देखने का स्टाइल भी चेंज हो गया है। तो होप सो उस व्लॉग में ये नींद से जागती हुई आए और थोड़ी बहुत बातें करें। तो अगर आपको व्लॉग हमारा आज का, ये देखो पकड़ी गई ना अभी, मैंने बोला था ना ये खोल दो, हाँ पकड़ी गई ना अभी, अभी ये उबासी ले रही थी। नहीं ऑडियंस ने देखा, आप ले रहे थे उबासी। शर्म आ रहा है ना, नींद ही आ रहा है। देखो अभी खुद एक्सेप्ट किया, नींद ही आ रहा है। खोलो ये, खोल रहे। तो व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं बहुत ही जल्द, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बहुत ही जल्द नहीं थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आवाज रहो, खुशियाँ बात करो। ये देखो करो नहीं करो और करो, सब मैं डालूंगा, हाँ सब मैं डालूंगा, देखना तो भी देखना। अभी मैं भाई कैमरा ऑफ करूंगा और इनका देखना उबासी कितना लेगी, मुझे पता है अभी रुकी हुई है। चलो बाय बाय।